तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन एशिया टेलीकॉम की तरफ से। आज आप देख रहे हैं मेरे साथ में कुछ स्टूडेंट है। ये इनका कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, ये जस्ट एक जो सोच के आए थे, इनके ऐसे लास्ट क्लास है, फेयरवेल है। तो इनको सर जस्ट मैं ये पूछूंगा कि इनका जो डे वन से लेकर अभी तक जो क्लासेस हुआ है और कैसा गया है, और जो सोच के आए थे घर से, जब आए थे, निकले थे घर से, आने के बाद जो उम्मीद लेके आए थे, वो उम्मीद के पूरा हुआ है कि नहीं, और घर जाने के बाद कैसे क्या काम करना है, ये सारा चीज़ बोला गया है कि नहीं, ये सर बात करते हैं। जैसे मेरे साथ एक स्टूडेंट है, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम विजय मालागार है, मैं खंडवा से हूँ। खंडवा से हैं, बताइए सर कितने दिन से आप काम करते थे और डे वन से लेके अभी तक आपने क्या क्या स्टेप बाय स्टेप सीखा? सर अभी यहाँ पे जी, सर अभी मैंने कंपोनेंट सीखा जी सर, और डेट सेक्शन सीखा, लाइट सेक्शन सीखा जी, सॉफ्टवेयर सीखा, एमएमसी सीखा, एमएमसी प्रोग्रामिंग सीखा, टेस्टेड आईसी, टेस्टेड आईसी भी सीखा, डबल टेकर सीखा। मैं आपसे अगर पूछना चाहूं कि सर देव सर के साथ डे वन से लेके आपकी डेढ़ क्लास की तक, एक नेटवर्क सेक्शन, डेड सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, एक कंपोनेंट की टेस्टिंग सही तरीके से, ये सारे चीज़ कैसा रहा देव सर के साथ? सर बिल्कुल बहुत बढ़िया रहा, पूरा डिटेल में सर ने समझाया है और अच्छे से समझ में आया है और घर जाके प्रैक्टिस करना है। चलिए, यहाँ पे और एक सर है, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम महेश है, मैं महाराष्ट्र। महेश जी बताइए कि डे वन से लेकर अभी तक कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सर एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा, डे वन से जब आए थे तो नॉलेज बहुत कम था हमारे पास, तो अभी यानी कि जो खाली ग्लास लेके आए थे अभी भर के जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अगर आपसे पूछूं जैसे कंपोनेंट आपके क्लियर है, हर एक कंपोनेंट की टेस्टिंग और देखने के बाद आप पहचान सकते हैं? हाँ सर, कंपोनेंट की टेस्टिंग पूरे क्लियर है और बोर्ड कौन सा है वो भी। मैं अगर बात करूं कि आपसे कि कोई भी एक आईसी की टेस्टिंग करना कि आईसी काम कर रहा है कि नहीं, वो सर्किट काम कर रहा है कि नहीं, उसके बारे में आप जान पाएंगे? हाँ सर जान पाएंगे, जान पाएंगे डायग्राम के साथ, विदाउट डायग्राम दोनों? विदाउट डायग्राम के साथ भी जान पाएंगे, और डायग्राम अगर नहीं रहा तो डायग्राम के साथ, नहीं रहा तो बिना डायग्राम के भी हो जाता है। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, उसके बाद आपने देव सर के बाद दुर्गेश सर से मिले, दुर्गेश सर के साथ कैसा रहा सफर आपका? एकदम बहुत बढ़िया रहा सर, दुर्गेश सर के साथ भी, उन्होंने सॉफ्टवेयर, हमने तो सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं थी, बेसिक तो उन्होंने बहुत बढ़िया सिखाया। उसके बाद हमने आपने मेरे साथ ही मिला, मेरे साथ में कैसा रहा आपका सफर? आपके साथ तो सर, आपका साथ का जो सफ़र था तो उसमें तो पूरा डाउट ही खत्म हो गया, यानी कि हाँ पूरा कम जो अपना शेड्यूल था वो पूरा समझ में आ गया, समझ में आ गया। हाँ चलिए, थैंक यू वेरी मच आपको, और आप भी आगे जाइए, अपने घर जाइए, अपने एरिया पे अपना नाम करिए, और एशिया टेलीकॉम आपके साथ लाइफ टाइम जुड़ा हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हमारे साथ और एक स्टूडेंट है, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम प्रीतिश शौर है, मैं खंडवा मध्य प्रदेश से हूँ। बताइए सर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस डे वन से लेकर अभी तक, क्या क्या सीखा और क्या नया मिला आपको, और क्या लगा कि यहाँ पे सही तरीका से स्टडी किया जाता है क्या नहीं? सर मैं तो ये सोच के आया था कि जनरली मोबाइल्स में प्रॉब्लम आती है, तो एशिया टेलीकॉम जा रहे हैं वहाँ पे सीखेंगे, लोगों के मोबाइल में प्रॉब्लम आती है तो उसको ठीक कर लेना। जी जी जी, यहाँ पे आके सर पता चला कि जो एक्चुअल मार्केट में सर प्रॉब्लम है ना, उसको भी ठीक करने का नियम होता है, नियम और तरीके से। सर एशिया टेलीकॉम का पढ़ाई का सिलेबस इतना प्यारा है कि मतलब वन बाय वन एक एक क्लास, और लास्ट में जैसे हमारी एमएमसी की क्लास हुई ना, तब हमको पता चला कि हमारा हार्डवेयर कितना ज़रूरी होता है। तो पहले दिन से सर हमने कंपोनेंट पढ़ा, कंपोनेंट के बाद में फिर बारी बारी से उसका प्रैक्टिकल भी करते गए, फिर उसके बाद में दुर्गेश सर के साथ हार्डवेयर का क्लास भी लिया, और फिर उसके बाद में मिलन सर के साथ में एमएमसी का क्लास लिया। तो वन बाय वन सर हम लोग बढ़िया तरीके से पढ़े, अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर हमारा लास्ट डे तक। अच्छा, जैसे आप बात कर रहे थे कि आप थोड़ा फ्रेशर है सॉफ्टवेयर के मामले में, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए सपोज कहीं पर भी आपसे यहाँ से जाने के बाद आप कुछ भूल रहे हैं या आपसे काम नहीं हो रहा है, उसके लिए एशिया टेलीकॉम आपको क्या ऑफ़र करता है? सर एशिया टेलीकॉम सबसे पहले तो छुपा के पढ़ाई नहीं कराता है, अपनी पूरी पढ़ाई का वीडियो रिकॉर्ड, ऑडियो रिकॉर्ड और फोटोज़ देता है जी, तो आप इतने में ही समझ सकते हैं कि आपको कहीं प्रॉब्लम आती तो आप अटकेंगे नहीं। फिर भी इसके अतिरिक्त भी अगर आपको कोई दिक्कत आ जाती है तो उसके लिए एशिया टेलीकॉम का लाइफ टाइम सपोर्ट है सर, यहाँ बैकअप सपोर्ट, बैकअप क्लास के लिए कोई फीस लगेगा नहीं सर, बैकअप क्लास के लिए कोई फीस नहीं है सर। चलिए थैंक यू वेरी मच आपको, थैंक यू सर, और मैं आशा करता हूँ आपके एरिया में आप बहुत नाम कमाएंगे, एशिया टेलीकॉम आपके साथ लाइफ टाइम जुड़ा हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम।
तो हमारे साथ और एक स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? सर मैं सौरभ मालाकार, मैं खंडवा से ही हूँ। बताइए तो स्पीड में सर। सर देव सर का जो नॉलेज है वो नॉलेज आम टेक्निकल से कुछ 100 गुना ज़्यादा, मैं मान के चलूँ तो कम बोलूँगा मैं, 100% भी कुछ कम होता है, इससे ज़्यादा है उनका नॉलेज है। और उनका जो पढ़ाने का तरीका है, वो तरीके को अगर तुम सिलेबस टाइप पढ़ोगे या फिर प्रैक्टिकल पढ़ोगे, तुम्हें दोनों मिलेगा। प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों साथ में चलती हैं, एक क्लास में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, कोई थ्योरी नहीं, दोनों साथ में होती है। अगर आपको वहाँ समझ में नहीं आ रहा तो आपको प्रैक्टिकल के वगैरह बताएंगे, और आपको प्रैक्टिकल में भी समझ में आ रहा तो सर साहब एक बार नहीं 10 बार पूछ सकते हो। और यहाँ पर सॉफ्टवेयर MMC के लिए जो हमको बताया गया है, पहले लगता था कि फ़ोन डेड हुआ तो सिर्फ CPU रिबल करके लगा दो तो फ़ोन चालू रहता है, उसमें प्रोग्रामिंग भी होती है। वो हमको यहाँ आके पता चला है कि बिना प्रोग्रामिंग के MCCPU किसी काम का नहीं है। अगर वो प्रोग्रामिंग नहीं होगी तो फ़ोन आप चालू नहीं कर पाओगे। आप रिपेयरिंग रिबॉल करके लगाया करोगे, निकाला करोगे, उसमें आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी कि फ़ोन चालू क्यों नहीं हो रहा है। आपको पहले कन्फर्म करना पड़ेगा कि पेड लाइन खराब है कि सॉफ्टवेयर दिक्कत है कि हार्डवेयर दिक्कत है। उसका शुरू से लेकर के आज हमको पूरा नॉलेज दिया गया है, उसके बाद में ही हमको अब यहाँ से शील्ड दी गई है जिस तरीके से। और शील्ड का कोई महत्व नहीं है, हमको यहाँ जाकर प्रैक्टिस करना है। महत्व इसका महत्व है ऐसा नहीं है, ये एशिया टेलीकॉम एक ब्रांड है, ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं कि आप यहाँ पर आ गए तो आप कन्फर्म हो है कि बस आप मेरे को जाके मार्केट में बैठना ही है। यहाँ 3 महीने आपको घर पे जाकर ट्रेनिंग भी खुद से करना पड़ेगा। और यहाँ नोट्स के तौर पे लिखवाया भी जाता है, ऐसा नहीं कि तुम दिन भर लिखोगे तुमको प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा। वीडियो भी दिया जाएगा, लिखवाया भी जाएगा, आपको जो सुविधा लगे, आपको जो करना है कि मेरे को यहाँ जाके ये मेरे को यार ऐसे लिखते नहीं बन रहा है वो लिखना पड़ेगा। और आपको वीडियो भी दिया जाएगा, वीडियो देखो सुनो, ऑडियो रिकॉर्ड भी दिया जाएगा, उसको देखो कि यार ये फॉल्ट है तो उसका सेक्शन खोलो, वीडियो चलाओ, स्टेप बाय स्टेप उसको ट्रैक करो। अगर वो ट्रैक नहीं हो पा रहा है तो आपको ग्रुप सपोर्ट भी मिलेगा, आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा, बैकअप क्लास मिलेगी। चले थैंक यू वेरी मच आपको इतने सारे बात बोलने के लिए। मैं लास्ट एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपके मन में जो डाउट था वो सारे डाउट क्लियर हुआ है? डाउट तो क्लियर हुआ है, क्योंकि डाउट जो होता ही है कि आप डाउट बनाओ, डाउट नहीं बनेगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डाउट बनेगा तभी आप क्लियर हो पाओगे कि यार ये डाउट मेरे पास माइंड में है, इसको क्लियर कैसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल, चले थैंक यू वेरी मच आपको। और आप, मैं भी आशा करता हूँ आप अपनी एरिया में जाके बहुत अपना नाम कमाएंगे और इसे टेलीकॉम आपके साथ लाइफ टाइम जुड़ा हुआ है। थैंक यू सर। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट है, क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम हमराज पटेल है। मतलब एक्सपीरियंस आपकी डे वन से लेके अभी तक क्या एक्सपीरियंस रहा? जी डे वन से ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया है सर। सबसे पहले हम लोग डे वन में कंपोनेंट का क्लास किए थे, फिर MMC का क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स का, कॉइल का, सब का क्लास था सर, अच्छे से बहुत अच्छे से हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग का क्लास हुआ सर मिलन क्या बोलते हैं दुर्गेश सर के साथ, सॉफ्टवेयर का क्लास हुआ सर, सॉफ्टवेयर भी अच्छे बहुत अच्छे तरीके से दुर्गेश सर पढ़ाए थे सर। उसके बाद आप हमारे साथ मिले टेस्टेड IC डुअल डेकर, MMC प्रोग्रामिंग, MCP प्रोग्रामिंग, UFS प्रोग्रामिंग, MMC चेंज, कैसा रहा सर? नहीं बहुत अच्छे से रहा सर MMC। हम लोग MMC, मैं पहले MMC के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था मेरे को, बिल्कुल भी MMC CPU के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, मतलब मैं पहचानता भी नहीं था कि MMC है ये, CPU करके कुछ पहचानता भी नहीं था। लेकिन सर ऐसा टेलीकॉम आने के बाद इतना लायक बन गया हूँ कि अपने मतलब ये सब काम को कर सकूँ सर। चले थैंक यू वेरी मच आपको। मैं आशा करता हूँ आप अपने एरिया में जाके बहुत अच्छा नाम कमाएंगे, इसे टेलीकॉम आपके साथ लाइफ टाइम जुड़ा हुआ है। थैंक यू सर। तो हमारे साथ और एक स्टूडेंट है, क्या नाम है? मेरा नाम विकास मुंडल, मैं झारखंड से हूँ। बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस का? यहाँ आके डे वन से जो सीखे देवसन हम जो सिखाए कंपोनेंट पेंच पहचानना, उसके बाद IC कैसे पहचानना है, स्टेप बाय स्टेप से पहचानना है, उसके बाद दुर्गा सर ने जो हमको सॉफ्टवेयर की नॉलेज दिए है, स्टेप बाय स्टेप फोटो भी दिए है, कैसे डाउनलोड करना है लैपटॉप में, ये करना है, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन दिया है। उसके बाद जब मिलन सर है उसने हमको MMC का बैलक पेस्टर IC, इसके बाद डबल डेकर, उसके बाद हार्ट ब्लू को काटना कैसे ये करना है सब सिखाया गया है। मैं भी आपकी भी आशा करता हूँ आप घर में जाके अपना एरिया में अपना खुद का नाम बहुत ऊंचा करेंगे, खुद का नाम बनाएंगे, ऐसे डील को हम आपके साथ लाइफ टाइम जुड़ा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? CPU निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं?